फोरियर थ्योरीज के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखेंगे कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, और उसके बाद कुछ अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशन है, उस नोटेशन को भी हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे और देखेंगे कि दोनों नोटेशंस अलग अलग होने के बावजूद भी सारा सीरीज जो है या थ्योरम जो है वो सेम है। सो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, दैट इज फोरियर थ्योरम इज इक्वल टू एक्स एफ ऑफ टी हम लोगों ने यूज किया था, यहाँ पे अगर टी की जगह पे एक्स भी यूज करें तो सेम वर्क है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 टू टी 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 बाई टी साइन आर ओमेगा एक्स 0 टू टी एफ एक्स साइन आर ओमेगा एक्स डी एक्स प्लस समेशन आर इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 बाई टी कॉस आर ओमेगा एक्स प्लस 0 टू कैपिटल टी एफ एक्स कॉस आर ओमेगा एक्स डी एक्स। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने क्या किया था कि x को रिप्लेस किया था t से, तो यहां पे हम लोगों ने सारे जगह जहां जहां स्मॉल t था उसको स्मॉल x से रिप्लेस कर दिया। सम अदर बुक्स में अनदर नोटेशंस में फूरियर सीरीज या थ्योरम को इस तरह से लिखा जाता है एफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइडेड बाई टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। सेम सीरीज है, नोटेशन अलग अलग है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। यहाँ पे जहां पे a नॉट का वैल्यू आता है 1 बाई पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स डी एक्स, an का वैल्यू सेकेंड फूरियर कोफिशिएंट 1 बाई पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स एंड bn का वैल्यू होता है 1 बाई पाई 0 टू 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अगर इसके वैल्यू को यहाँ पे हम लोग सब्स्टिट्यूट किए, और चूंकि यहाँ इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल t के रिस्पेक्ट में है, तो मान लेते हैं t जो है हमारा पीरियड वो 2 पाई से रिप्लेस कर रहा है और r ओमेगा x के जगह पे हम लोग लिख रहे हैं nx, तो ये इक्वेशन जो है सेम टू सेम है, कोई चेंजिंग नहीं है। इसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, अगर वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करें a नॉट a n और b n का इस इक्वेशन में, सो एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा a नॉट की जगह पे a नॉट बाई 2 है तो 1 बाई 2 पाई 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ई एन के जगह पे 1 बाई पाई और cos n है तो ये हो जाएगा cos n x डिवाइडेड बाई पाई, इंटीग्रेशन को लिखेंगे 0 टू 2 पाई एफ एक्स cos n x dx प्लस लास्ट टर्म हो जाएगा हमारा साइन n पाई डिवाइडेड बाय पाई 0 टू 2 पाई fx साइन nx dx। सो here we have considered that capital T is equal to 2 pi, so capital T is equal to 2 pi or omega is equal to 2 pi by T. So if we compare two equations here, x is equal to 1 by T, T के जगह अगर 2 pi put करे तो क्या आएगा 1 by 2 pi, तो obviously ये दोनों same हो गया, 0 to T, T के जगह पे हम लोग क्या put कर रहे हैं 2 pi, so यहाँ पे हो गया 2 पाई, तो हो गया fx dx, फर्स्ट टर्म मेरा सेम टू सेम आ गया। अगर इस फॉर्म में लिखें, t के फॉर्म में लिखें या 2 पाई के फॉर्म में लिखें, सेम टू सेम इसका वैल्यू है। r के जगह पे है हमारा n, तो n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 2 बाई t, अगर लिखें हम 2 बाई t, दैट मीन्स 2 बाई 2 पाई, 2 कैंसल 1 बाई पाई, तो 1 बाई पाई आर ओमेगा एक्स के जगह पे हम लोग लिख रहे हैं एन एक्स, तो ये सेकेंड टर्म यहाँ पे लास्ट टर्म पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन एन पाई, यहाँ समेशन छूटा हुआ है, समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, सो साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई पाई, सेम टर्म है, 0 टू टी के जगह पे 0 टू 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, सेम टू सेम यही टर्म है। नेक्स्ट टर्म 2 बाई टी के जगह पे फिर हो जाएगा क्या कॉस एन एक्स बाई पाई, कॉस एन एक्स बाई पाई पाई हो गया इसका वैल्यू, जैसे 2 बाई टी का वैल्यू हम लोग 1 बाई पाई निकाले, आर ओमेगा एक्स के जगह पे एन एक्स, तो कॉस एन एक्स बाई पाई
जीरो टू टू पाई, टी की जगह टू पाई, एफ एक्स तो एफ एक्स है और आर ओमेगा एक्स के जगह पे कॉस एफ एक्स। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि नोटेशन कुछ भी हो चेंजिंग करें, फूरियर सीरीज ऑलमोस्ट सेम है। अगर इससे यूज करें तो भी सही है और इससे यूज करें तो भी सही है। देखना होगा कि हमारा प्रॉब्लम किस मेथड से है, हम लोग दोनों मेथड्स को लेके चलेंगे ताकि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। सो नेक्स्ट वी विल सी द व्हाट इज डिरिचलेट्स कंडीशन फॉर फूरियर सीरीज। सो इफ द फंक्शन एफ एक्स फॉर द इंटरवल माइनस पाई टू पाई, द कंडीशन आर नंबर वन इज टू बी सिंगल वैल्यू, नंबर टू इज टू बी बाउंडेड, हैज ए मोस्ट फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। Finite number of maxima minima means they have the fixed value, not infinite numbers. Has only a finite number of discontinuous, discontinuous conditions should be finite, fixed. And f of x plus 2 pi is equal to f x. That means it should be periodic function for values of x outside minus pi and pi. Then s of px is equal to a naught by 2 summation n is equal to 1 to p an cos nx summation n is equal to 1 to p bn sin nx. This converges to fx as p tends to infinity at values of x for which fx is continuous and the sum of the series is equal to half f of x plus 0 plus f of x minus 0 at point of discontinuity. This is the condition of Dirichlet's condition for Fourier series. Sometimes it comes to direct equations or for direct definitions. So this is the combinations of Fourier as well as the periodic function. So this is for Fourier series. Next, in the next article, we will see the what are the definite integrals which are useful in deriving the Fourier series and Fourier's theorem problems. We will see them one by one. So as we discussed earlier, that there are some definite integrals rules with limit 0 to 2 pi or 0 to t, where we will use it directly in the equations as well as the evaluations of Fourier coefficients and Fourier's theorem problems. So first is 0 to 2 pi sine nx dx is equal to 0. Number 2, 0 to 2 pi cos nx dx is equal to 0. Number 3, 0 to 2 pi sine square nx dx is equal to pi. These are very easily, these are can easily be solved very easily. Number 4, 0 to 2 pi cos square nx dx is equal to pi. Number 5, 0 to 2 pi sine mx dx is equal to 0. Number 6, 0 to 2 pi cos mx dx is equal to 0. Number 7, 0 to 2 pi sin nx cos mx dx is equal to 0. And number 8, 0 to 2 pi cos mx dx is equal to 0. These are the very important formulas. Apart from these 8 formula, some rules are also applicable, that is integration by parts. So let's revise it. Integration by parts. ये उस समय हेल्पफुल होगा जब दो फंक्शंस का हमारा प्रोडक्ट हो और उसको हमको इंटीग्रेट करना हो. फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रॉपर्टी है, इफ यू एंड वी आर टू फंक्शंस मल्टीप्लाइड विथ ईच अदर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ इट, देन दिस इज यू v dx minus du by dx integration of v dx and then dx. Now how to choose u and v, how to अगर product में दिया हुआ है कि दो functions है तो दोनों functions में U कहाँ लें, V को कैसे अंदर में रखें, ये हमारा रूल आता है आइलेट के रूप में, वेयर E इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, A फॉर एलजेब्रिक,
एल फॉर लॉगरिथमिक एंड आई फॉर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन। दैट मीन्स अगर दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हो और उसमें जो पहले आएगा, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को हम लोग क्या लेंगे, u लेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को v लेंगे, ठीक है। तो जो पहले है वो पहले बाहर निकलेगा, मतलब u बनेगा इसमें जो ऑर्डर दिया हुआ है। तो यही ऑर्डर हमको याद रखना है, इस ऑर्डर से जो पहले निकलेगा वो उसको u मानना है और जो बाद में है उसको v लेना है। तो यहाँ पे सबसे पहले v का इंटीग्रेशन होगा, अगर यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है दैट मीन 0 टू 2, 0 टू 2 पाई, तो इसको इंटीग्रेट कर लेंगे u और v, v को इंटीग्रेट कर लेंगे, u को भी पुट कर लेंगे, और फिर जैसे अगर u निकाल लिए v निकाल लिए तो v का इंटीग्रेशन हो गया, मान लेते हैं v1 कुछ हो गया या कुछ भी इंटीग्रेट हो गया, तो फिर इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे या 0 से t है या 0 से 2 पाई। उसी तरह से इसमें वही करना है, u को डिफरेंशिएट करना है, फिर v को इंटीग्रेट करना है, और बाद में फिर इंटीग्रेट करने के बाद दोनों के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करने के बाद लिमिट पुट करना है। सो ये हम लोग को ध्यान रखना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ फूरियर सीरीज दैट इज स्क्वायर वेव, एप्लीकेशन ऑफ फूरियर सीरीज दैट इज सॉ टूथ वेव, इसमें हम लोग को यूज होगा ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो वहां पे इसमें और डिटेल्स में देखेंगे कि मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही है हमारा कि फूरियर सीरीज क्या होता है, फूरियर सीरीज का डिनोशन नोटेशन अलग अलग बुक में कैसे कैसे होता है, लेकिन दोनों सब सेम है। हम लोग को इक्वेशन याद रखना है कि इक्वेशन ए नॉट का क्या होता है, ए एन का क्या होता है, बी एन का क्या होता है, और जीरो से लेकर टी के इंटीग्रेशन करें या जीरो से लेकर टू पाई करें, हमको याद रखना है कि लिमिट का वैल्यू सेम रहेगा, इक्वेशन भी सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होता है। और जो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा वो कंडीशन भी हम लोग को याद रखना है, ज्यादातर ये स्टेटमेंट में आता है, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। जनरली ये है कि एक कंटिन्यूअस होता है, एक डिसकंटिन्यूअस होता है, और लिमिट में इसका वैल्यू जो होता है वो पीरियोडिक फंक्शंस होता है। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग देखेंगे कि फूरियर सीरीज का जो एप्लीकेशन है वो स्क्वायर वेव में कैसा होता है, और उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे कि सॉ टूथ वेव में इसका एप्लीकेशन क्या होता है।